और क्या चाहिए हमें? ये दो सेम ओरिजिन। एंड सेम फंक्शन, ठीक है। क्या 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 चाहिए? ग्रुप, जो आपका ग्रुप ऑफ सेल रहा है, जो आपकी ग्रुप ऑफ सेल रहती है, दे हैविंग द सेम ओरिजिन। सारी सेल्स की ओरिजिन क्या चाहिए? सेम, दे हैव सेम सेम फंक्शन। ये सेल, ये सारी सेल क्या है? ग्रुप में है, लेकिन इन सभी सेल्स की क्या चाहिए? सेम ओरिजिन चाहिए, और इनको सेम फंक्शन करना चाहिए, तभी ये जाके क्या बना पाएंगे, तभी जाके ये आपके टिश्यू क्या आएगा। ओके, तो टिश्यू की प्रॉपर्टी बोलने से पहले आप ये बोलोगे, ग्रुप ऑफ सेल इन विच सेल्स हैव सेम ओरिजिन एंड सेल्स हैव सेम फंक्शन, दैट टाइप ऑफ सेल्स कैन मेक दैट टिश्यू। ओके, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ओके, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन विच दे हैव सेम फंक्शन एंड दे हैव सेम ओरिजिन, उनको हम टिश्यू बोलेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? तो टिश्यू मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इन विच एवरी सेल हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ओके, देन दैट टाइप ऑफ सेल कैन मेक द टिश्यू। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, दे कैन मेक द टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन सेम फंक्शन, दे कैन मेक द टिश्यू। इसको आप लिख लो, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन सेम फंक्शन, दे कैन मेक द टिश्यू। या फिर टिश्यू हैव अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, चाहे आप ऐसे लिखो, ठीक है। चले हम आगे, यस सर, ठीक है। चलो यस सर। अब देखो आप, ये जो आपका प्लांट टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की क्या होता है, ये इसके पास ये डिवाइड करने की पावर रहती है, ये डिवाइड करता है, इसके अंदर में नो डिवीजन, इसके अंदर में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में दो टिश्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा? मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लांट के अंदर में मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं रहेगा, तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, वो प्लांट की डेथ हो जाएगी, उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो प्लांट को अगर बनना है, तो उसके अंदर में मेरिस्मेटिक टिश्यू चाहिए चाहिए होगा। तो प्लांट के पास दो टिश्यू क्या है? पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू। ओके, तब हम स्टार्ट करते किसको, टिश्यू। अब आप देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, इस डायग्राम में आप देखो, हाँ, तो अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, तो आप ये देखो, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात, ठीक है। देखो ये आपका हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज को नोटिस करो, देखो ये क्या है, ये सेल्स हैं, ये भी क्या है, सेल्स है। तो सारी की सारी सेल्स क्या आपकी आइसो डायमेट्रिक है। तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर में कौन सा सेल्स पाया जाएगा? मेरिस्टमेटिक सेल्स, वही, दिस इज मेरिस्टमेटिक सेल, दिस इज अ मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक सेल, मेरिस्टमेटिक सेल, ये सारी सारी क्या आपकी मेरिस्टमेटिक सेल है। तो मतलब मेरिस्टमेटिक सेल्स का क्या ग्रुप हो गया, और इन सारी सेल्स की ओरिजिन सेम है और फंक्शंस सेम है, इसीलिए ये क्या बनाते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। ओके, तो मेरिस्मेटिक, दिस इज एग्जांपल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसके अंदर में जो सारी
सेल्स हैं उसकी ओरिजिन सेम होगी और उसके फंक्शंस सेम होंगे। क्लियर सर? हाँ बोलो 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 सर। सर आपका जो पॉइंटर है ना जिससे आप लिखते हो उसकी साइज थोड़ी सी कम कीजिए ना, पॉइंट की साइज। ये ठीक है, साइज छोटी। हाँ सर वो साइज छोटी कीजिए। देखो अगर मैं आपको इससे दिखाता, इससे क्लियर है ना, इससे इससे आपका चलेगा? यस सर। चलो डीप में देखो जाके, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर? चलो इधर देखो, अगर आपको बड़ा देखना तो मैं आपको बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो क्लियर, अब दिखा? तो ये सारी की सारी ये जो आपकी सेल्स हैं दिखाई पड़ रही हैं, तो ये सब क्या है? दीज आर मेरिस्मेटिक सेल्स, दीज आर मेरिस्मेटिक सेल्स। तो मेरिस्मेटिक सेल से क्या बनेगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो कंडीशन क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ सेल्स सेम फंक्शन। इसका मतलब ये क्या हो गया? मेरिस्मेटिक टिश्यू बन गया। अब क्या हो रहा है? मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो भी आपकी सेल्स रहती हैं, दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे आर आइसोडायमेट्रिक। वो सेल्स क्या होती हैं आपकी? आइसोडायमेट्रिक रहती है, मतलब उनकी जो डायमीटर रहती है वो सेम सेम रहेगी। तो मेरिस्मेटिक, दे आर आइसोडायमेट्रिक, वो क्या रहती हैं आपकी? आइसोडायमेट्रिक। सेकेंड बात आपको और बताऊं, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो आपको आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सेंटर में क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं। दिस न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। ये क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। दिखा क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और इसके अंदर में आपको कहीं वैक्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं क्या? वैक्यूल्स है कहीं? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो अब आपको तीन बातें पता चल गई। पहले कि मेरिस्टमेटिक सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती, उनके डायमीटर सेम होते हैं। क्या होते हैं उनके? उनके डायमीटर सेम रहते हैं। दे आर उनके डायमीटर सेम रहते हैं, उनको हम आइसोडायमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोडायमेट्रिक। क्या होते हैं वो? आइसो डायमेट्रिक होते हैं। क्लियर? सेकेंड थिंग, उनके पास प्रोमिनेंट सेल्स आर आइसो डायमेट्रिक। दूसरा पॉइंट, प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म पाया जाएगा इस सेल के अंदर में। इस सेल के अंदर में जो आपका साइटोप्लाज्म रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत डेंस रहेगा। दिस इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म रहेगा वो आपका क्या रहेगा? वो बहुत डेंस रहेगा। साइटोप्लाज्म आपका बहुत डेंस रहेगा। क्लियर? साइटोप्लाज्म क्या रहेगा आपका? बहुत डेंस। नो वैक्यूल्स। आप सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। इंपॉर्टेंट है सर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, और आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो वैक्यूल से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या आ रहा है नेक्स्ट? नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्या हो गया? देखो इनकी इनके बीच में क्या कोई आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है क्या इन सेल्स के बीच में? तो इसके पास कैसे स्पेसेस होता है? क्यों होता है? कहोगे इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज क्रैक कर रही है अभी? ठीक है। हाँ चलो, अब देखो आप इन सेल्स के बीच में क्या है? इंटरसेलुलर स्पेसेस है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो आपकी सेल है ना, इस सेल के यहाँ पे देखो, ये मैं दूसरा सेल बना दिया। ये जो
फिर से खट करके स्टार्ट करूं क्या? अभी भी मेरी आवाज ब्रेक कर रही है? यस सर। बीच बीच में ब्रेक हो रही है। यस सर। ओके सर, आपकी आवाज कट रही है सर, अभी भी वैसे आवाज अभी भी कट रही है। आवाज क्यों यार कट रही, समझ नहीं आ रहा सर? आपके यहाँ पे शायद नेटवर्क इशू है। सही है अभी भी वैसी कंडीशन है? नो सर, अब ठीक। सर अभी ठीक है। सर अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? ठीक सर, अभी बेटर है। ठीक है, चलो। तो इस अंदर में मैंने आइसोडायमेट्रिक होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। शायद यार नेटवर्क का कुछ इशू होगा।
नहीं हमारा जाए ना अभी हम उसको यस सर अभी ठीक है सरिया वॉइस अभी थोड़ा गूगल मीट में प्रॉब्लम चल रहा है सर आई थिंक आपने दूसरे डिवाइस ज्वाइन किया तो ऑन है लगता है माइक सर जो दूसरे अभी भी देखो वॉइस कितने क्रैकिंग हो रही है सर उसको नो सर अभी नहीं हो रही है अभी ठीक है सर अब आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है अभी क्लियर है आप लोग को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है और मेरी आवाज क्लियर है यस सर यस सर यस सर यस सर ठीक है चलो पढ़ते हैं आगे रोटेशन के साथ अगर रोटेशन आप करेंगे लगता है नहीं सर कोई जरूरत नहीं सर ठीक है तो अभी हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक सेल्स के बारे में ओके तो मैरिस्मेटिक सेल्स के मैं आपको जो पहला क्या कैरेक्टर बताता हूँ वो क्या आपका आइसो डायमेट्रिक है पहला कैरेक्टर है उसके डायमीटर सेम है सेकेंड थिंग क्या है वो उसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है उसके पास वैक्यूल्स नहीं नहीं है और उनके पास इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं है तो इंटर सेलुलर स्पेसेस इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनकी जो प्लांट क्योंकि ये प्लांट की सेल है ये क्या होती है प्लांट की सेल प्लांट की सेल जो आपकी रहती है उनके पास अगर मैं अंदर की बात करूं दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन ये क्या होती है प्लांट की सेल मेम्ब्रेन और ये जो आपका ब्लैक वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेल वॉल इसे हम क्या बोलेंगे सेल वॉल दिस इज कॉल्ड सेल वॉल तो ठीक है तो मेरिस्मेटिक सेल क्या आपकी प्लांट सेल होती है तो मतलब इसके इसके पास क्या होगा इसके पास सेल वॉल होता है तो कहने का मतलब जो मेरिस्मेटिक सेल रहती है ना उसकी जो सेल वॉल रहती है वो बहुत पतली रहती है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दे हैव अ थिन सेल वॉल क्या रहती है थिन सेल वॉल तो थिन सेल वॉल होने की वजह से क्या होती है एक सेल दूसरे सेल में कॉम्पैक्ट फॉर्म में पैक हो जाती है देखो ये
ये सेल आपस में क्या हुआ, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके पैक हो गए, क्लियर। क्यों? बिकॉज दे हैव अ वेरी थिन सेल वॉल, बिकॉज दे हैव अ वेरी थिन सेल वॉल, बिकॉज दे हैव अ वेरी थिन सेल वॉल। ओके, तो मेरिस्मेटिक सेल्स के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप पहला बोलना दे आर आइसोडायमेट्रिक, दे हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, दे डिडंट हैव द वैक्यूल्स, दे हैव अ थिन, दे हैव अ थिन सेल वॉल। ओके, दे डिडंट हैव अ इंटरसेलुलर स्पेसेस, दे डिडंट हैव अ इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, अब एक बात, एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूँ कि इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों है, इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों है, इनके पास सर फॉर डिवीजन, सेल डिवीजन। वेरी गुड, क्योंकि मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती है, उनका नेचर क्या है, दे हैव अ पावर ऑफ सेल डिवीजन, दे हैव अ पावर ऑफ सेल डिवीजन। तो जो भी सेल डिवाइड करना चाहती है उसके अंदर में दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एक तो पहला क्या होना चाहिए, वहां पे आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होना चाहिए और आपका डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए, क्या क्या चाहिए, लार्ज न्यूक्लियाई और आपका डेंस साइटोप्लाज्म। अगर किसी सेल्स के अंदर में डेंस साइटोप्लाज्म या लार्ज न्यूक्लियस नहीं है तो वह सेल डिवाइड करने के मूड में बिल्कुल नहीं होगी। अगर कोई सेल डिवाइड करना चाह रही है तो उसके अंदर में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और लार्ज और आपका डेंस साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो मेरिस्मेटिक सेल्स क्या करती है, उसका नेचर क्या है, दिस इज अ डिवाइडेबल सेल, आपकी सेल डिवाइड करती रहती है, इसके अंदर इसीलिए आपका प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और आपका डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, क्या रहेगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और आपका डेंस साइटोप्लाज्म। कैसे हेल्प करता है डिवीजन में, क्या बोले बेटा सर, डेंस साइटोप्लाज्म कैसे हेल्प करता है डिवीजन में, डिवीजन में क्या रहता है, देखो आपका जो डेंस साइटोप्लाज्म बोलने का मतलब क्या है, उसके अंदर में एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत फास्ट रहेगी, क्या रहेगी आपकी एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी रहती है ना, कोई भी चीज जब बॉडी में जब प्रोसेस होता रहता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत तेज रहेगी, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डेंस साइटोप्लाज्म की वजह से ज्यादा कर जाती है। और दूसरी बात, आपको ये भी चीज पता होगा कि जब सेल डिवाइड करती रहती तो क्या होता, सारे मटेरियल्स के हाफ हाफ सब बट जाते हैं, तो जब आप डेंस का साइटोप्लाज्म रहेगा तो उसको डिवाइड होने में इजी जाएगा, जब दो सेल जब डिवाइड करती रहती तो उनका न्यूक्लियस का मटेरियल भी क्या होता है, डिवाइड हो जाता, उनका जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्टेंट होता वो भी कहते हैं डिवाइड होता, तो अगर जब डेंस रहेगा तो वह क्या रहेगा, एक सेल से दूसरे सेल में जाने में या डिवाइड करने के प्रोसेस में वो इजी रहेगा, ठीक है। और दूसरा, डेंस साइटोप्लाज्म की वजह से आपका एंजाइमेटिक एक्शन बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से सेल डिवीजन बहुत फास्ट होती है, पता है आपको 24 आवर्स के अंदर में आपकी एक सेल डिवाइड कर जाती है, आपकी बॉडी की या कोई भी प्लांट सेल 24 या 22 आवर के अंदर में एक सेल से दो सेल में डिवाइड कर जाती है। एक सेल को डिवाइड होने में लमसम कितना टाइम लगता है आपको, लमसम आपको 24 आवर लगता है, ओके। तो इसके बारे में आप नोट कर लो, मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल्स है उसके जो कैरेक्टर्स है, और ये डायग्राम को आप ड्रॉ कर लो। सर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी वैसा ही न्यूक्लियस ना जो यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता, क्या बोले बेटा, सर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी वैसा ही न्यूक्लियस ना जो यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता, और क्या प्लांट सेल, क्या आपका प्लांट सेल क्या आपका यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक। हां तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर में पाया जाने वाला न्यूक्लियस बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। यस सर, इसको आप नोट कर लो इतना पहले। ठीक है, चलो इतना आपका हो गया। अब हम देखते हैं
मेरिस्मेटिक का क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको अभी तक मेरिस्मेटिक सिस्टम में सिर्फ कैक्टस आपको बताया कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर में होता क्या क्या है, कितनी बातें आप सीख गए। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू का देखोगे तो ये क्या है, इसको थ्री उसमें जोन्स में क्लासिफाई किया गया। पहला आपका आता है बेसमेंटिक टिश्यू को ओरिजिन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पर, ओरिजिन के बेसिस पर। दूसरा बेसमेंटिक टिश्यू को लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। तीसरा क्या आता है, बेसमेंटिक टिश्यू को आपको फंक्शन के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, फंक्शन के बेसिस पर। ओके, इसमें अब आप देखो ओरिजिन के बेसिस पर ये तीन टाइप्स के होते हैं। ओरिजिन के बेसिस पर बेसमेंटिक टिश्यू आपके होते हैं थ्री टाइप के, कौन कौन होंगे आपके, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। कौन कौन से, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। अभी होता क्या है, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेशन के बेसिस पर एपिकल रहता है, इंटरकैलरी रहता है और लैटरल रहता है। फंक्शन के बेसिस पर प्रोटोडर्म है, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम है। ये सब नाम शायद अभी आपको ज्यादा ही हार्ड लग रहा होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन के बेसिस पर। ओके, तो अगर हम ओरिजिन के बेसिस पर देखते हैं तो प्रोमेरिस्टम क्या होता है, किसी को पता है प्रोमेरिस्टम क्या होता है, प्रोमेरिस्टम नहीं पता, प्रोमेरिस्टम क्या होता है बताओ, आपका प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, प्रो मेरिस्टेम इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक, क्या आवाज बहुत धीरे, प्रो मेरिस्टेम इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम बोलते हैं। प्रो मेरिस्टेम इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं, अगर आप देखो, अगर मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कोई सीड है, मान लो ये सीड है, ठीक है, ये आपका सीड हो गया, दिस इज अ सीड। तो सीड के अंदर में क्या होता है, सीड के अंदर में आपका इम्ब्रियो पाया जाता है, सीड के अंदर में क्या होता है, इम्ब्रियो होता है, क्लियर, सीड के अंदर में क्या होता है, एम्ब्रियो। सीड के अंदर में आपका क्या होता, इम्ब्रियो होता, दिस इज अ इम्ब्रियो, ये इसको क्या बोले, इम्ब्रियो, ये आपका सीड हो गया, सीड के अंदर में क्या होता, इम्ब्रियो। और इस इम्ब्रियो के अंदर में जो आपका मेरिस्टेम पाया जाता है, दैट मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्रो मेरिस्टेम, दैट मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्रो मेरिस्टेम, ठीक है। इसीलिए प्रो मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम, क्योंकि वो इम्ब्रियो के अंदर में पाया जाता है। तो प्रो मेरिस्टेम कहाँ पर पाया जाता है, सीड के इम्ब्रियो के अंदर में पाया जाता है, दिस इज अ प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इनसाइड द इम्ब्रियो ऑफ द सीड, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द इम्ब्रियो ऑफ द सीड। ओके, और कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जब आप देखोगे तो इसी सीड से आपका क्या क्या बनता है, प्लांट बन के तैयार होता है। यहाँ पर ऐसे आपको लीफ आएंगे और यहाँ से आपको क्या बन जाएंगे, रूट बन जाएंगे, देख रहे हो। तो अगर सीड के अंदर में मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर सीड के अंदर में प्रो मेरिस्टेम नहीं रहेगा तो कभी भी क्या होगा, सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा, सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड क्या कर गया यहाँ पर, सीड आपका यहाँ पर जर्मिनेट कर गया है, क्यों कटेक्ट कर गया, बिकॉज ऑफ द प्रो मेरिस्टेम। तो किसी भी सीड के अंदर में क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम पाया जाता है। अब एक कंडीशन आती है, क्या आती कि सर जब हम घर में सीड को रखते हैं तो उसके अंदर में सर जर्मिनेशन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही ये वाटर के कॉन्टेक्ट में जाएगा या एयर के कॉन्टेक्ट में जाएगा तभी क्या होता है, सीड का आपका जर्मिनेशन होता है। जैसे एग्जांपल चने को देखो, जब तक चने को आप डिब्बे में बंद करके रखते हो, हाँ
सर वो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो जो सीड की अपर कवरिंग रहती है वो सॉफ्ट एंड लगती है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तब क्या हुआ? तो उसी वजह से वो जर्मिनेट होता होगा। नहीं नहीं, जर्मिनेट होने के लिए पता है आपको प्रो मेरिस्टेम को एक्टिव करना होगा। इसको प्रो मेरिस्टेम को, अगर प्रो मेरिस्टेम एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, आपका शूट और रूट बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो जब वाटर, जब इसके अंदर में वाटर आता है, वाटर आएगा तो थोड़ी सी गर्मी आती है, तो इसकी वजह से आपका क्या था, प्रो मेरिस्टेम एक्टिव होता है। तो जैसे ही प्रो मेरिस्टेम एक्टिव होता है ये शूट को बनाता है और रूट को बनाना स्टार्ट करता है। क्लियर? अब मैं आपको, हाँ आपको कुछ बात मतलब बताने जा रहा था। हाँ तो इतनी बात समझ में आ गई। तो जब तक आप सीड को डिब्बे के अंदर में बंद करके रखोगे प्रो मेरिस्टेम आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने सीड को सॉइल के अंदर में जब आप डाल दोगे तो क्या होता है, इसको वहां पर सॉइल से गर्मी मिलती है और साथ में ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा इस सीड के जो इम्ब्रियो रहता है उसका प्रो मेरिस्टेम एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ये एक्टिव होगा यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते शूट को डेवलप करना और यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते रूट को डेवलप करना स्टार्ट करता है। क्लियर? तो प्रो मेरिस्टेम की, आपके प्रो मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, इनिशियल जर्मिनेशन ऑफ द सीड होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम क्या करता है, सीड का जर्मिनेशन करता है, सीड का जर्मिनेशन करने में हेल्पफुल है। ठीक है? तो जो आपका, तो आपका जो मेरिस्टेम रहा पहला जो मेरिस्टेम होता है ओरिजिन के बेसिस पर वो क्या हो गया आपका, ओरिजिन के बेसिस पर जो पहला मेरिस्टेम हो गया आपका क्या हो गया, प्रो मेरिस्टेम, जो कि कहां पर पाया जाता है, इंब्रियो में पाया जाता है, सीड के इंब्रियो में होता है। क्लियर? ये आपका प्रो मेरिस्टेम हो गया। अब हम दूसरी बात जो आपको बता रहे हैं इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है? अब यहां मैं आपको कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं। ये आपका प्रो मेरिस्टेम है। ये आपका प्रो मेरिस्टेम है। ठीक है? ये जब डिवाइड करता है ये दो सेल बनाएगा। ठीक है? ये जो दोनों सेल बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है? ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम और ये भी आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। क्लियर? अब कुछ बात करता है प्राइमरी मेरिस्टेम आपका, प्राइमरी मेरिस्टेम आपका डिफरेंशिएशन करता है। क्या करता है? डिफरेंशिएशन। प्राइमरी मेरिस्टेम आपका क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है और वो क्या बनाता है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनाता? प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम, प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये क्या बन रहा है, परमानेंट टिश्यू बन जा रहा है। और ये वाले जो, और ये जो आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम है ये क्या करती रहती है, ये बाद में फिर से ऐसे ऐसे करके क्या होगी, डिवाइड कर जाएगी और दो सेल बनाएगी। क्या बनाएगी? दो सेल। क्या बनाती? दो सेल। अब इसमें से ये जो दो सेल बनी ये भी क्या आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम है, दिस इज ऑल्सो अ प्राइमरी मेरिस्टेम। ये भी क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। ठीक है? ये दोनों सेल क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर क्या होगा, इसमें से एक सेल क्या चीज करेगी, एक सेल फिर से डिफरेंशिएट करेगी। क्या करेगी? डिफरेंशिएट। और क्या बनाएगी, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाएगी। क्या बनाएगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है, प्राइमरी परमानेंट। फिर से ये सेल क्या होगी, फिर से ये सेल आपकी डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, प्राइमरी मेरिस्टेम। उसमें से फिर से यही सेम प्रोसेस होगा। ठीक है? तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, परमानेंट टिश्यू किससे बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखो दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पहला तो
प्राइमरी मेरिस्टेम जब भी कभी डिवाइड करता रहता है तो उसमें उससे दो सेल बनती है, वो दोनों सेल क्या होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम, उसमें से एक सेल परमानेंट में चेंज कर जाती है, दूसरी सेल क्या करती है, दूसरी सेल आपकी मेरिस्टमेटिक ही बनी रहती है, फिर वो बाद में दो और प्राइमरी मेरिस्टेम बनाती है। मतलब कहने का कभी भी अगर दो प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा तो उसमें से एक परमानेंट में चेंज हो जाता है और दूसरा वाला मेरिस्टेम रहता है। जैसे ये दो बनना जिसमें से एक परमानेंट में चेंज हो जाएगा और एक और एक आपका मेरिस्टमेटिक की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे देखो दो बना तो एक आपका परमानेंट में चेंज हो गया और एक आपका मेरिस्टेम के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो जब भी कभी भी ये सेल डिवाइड करेगी तो दो दो सेल बनाती, एक सेल परमानेंट में चेंज होगी और एक सेल आपकी मेरिस्टमेटिक रहेगी। फिर ये जब दो बनाएगी तो एक आपका परमानेंट में चेंज होगी और एक आपका मेरिस्टमेटिक बनाएगी। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका, कुछ डाउट तो नहीं है? सर डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, ये सेल क्या है, ये सेल आपकी डिवीजन कर सकती है, परमानेंट टिश्यू आपका डिवीजन नहीं कर सकता है, तो इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये एक डिवीजन वाली सेल नॉन डिवीजन सेल में चेंज कर जा रही है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। समझ गए भाई? यस सर। तो अब हम आपको आगे कुछ पॉइंट्स आपको और बता रहे हैं, थोड़ा इसको और हमें टफ कर रहा हूं, ठीक है? अब ये क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू हो गया, क्या हो गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कुछ समय बाद क्या होता है, क्या प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या क्या बनाता आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, क्या बनाता आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाता है, क्या बनाता आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इस प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। हाँ वेरी गुड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, कुछ समय बाद क्या होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम से क्या बन सकता है आपका, आपका क्या बन सकता है, सेकेंडरी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, वेरी गुड, परमानेंट टिश्यू बन जाता है, क्या बन जाता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है, क्या बनता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन। ओके, तो पहले आप इसको बना लो फिर मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं, ठीक है? पहले आप इसको 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 इतना ड्रॉ करो, पहले इतना इसको ड्रॉ करो फिर मैं नीचे का दिखाता हूं, उसको ड्रॉ करो। पहले ऐसे आप ऊपर में इस हिसाब से ड्रॉ कर लो फिर परमानेंट से आपको दिखाता हूं बाद। जब हो जाएगा तो मैसेज डालना। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ डाउन, यहाँ से ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम से आपका फिर रीडिफरेंशिएट करके आपका सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनता है।
ठीक है, करता हूँ स्क्रॉल लो, ठीक है, इसको इसको बना लेना, क्योंकि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कोई भी बहुत जल्दी से समझा नहीं सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको प्लांट इशू आता है, अगर ये आता है तो आपको प्लांट इशू बहुत इजी फॉर्म में याद रहेगा, ये आपको कहीं एक जगह किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, मैंने जो आपको दिया है इसको आप नोट करके आप अपनी नोटबुक में रखे रहना, ये आपको 12 तक फॉर्म आएगा, पूरा 12 तक। एक्सक्यूज मी सर, पूछो। सर मैंने एक एक बुक में पढ़ा था कि जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम रहता है वो प्राइमरी मेरिस्टम रहता है सर, तो फिर उसमें फिर कुछ है क्या एक्सेप्शन? नहीं नहीं बेटा, ये जो होता है ना उसको हम प्राइमरी इसलिए बोल देते हैं किसी किसी बुक में, लेकिन अगर आप अच्छी कथे बुक्स में जाओगे ना तो प्राइमरी मेरिस्टम इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्रो मेरिस्टम। देखो देखो क्या, ये पेरेंट हो गया और ये डॉटर हो गया, ठीक है, बस क्या है कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता ज्यादा से ज्यादा किससे बनना स्टार्ट होता, प्रो मेरिस्टम मतलब क्या होता, बेसिक बेसिक मेरिस्टम जो कि कहाँ पर है, सीड के अंदर में। ओके, अब जैसे जैसे आप देखो सीड के अंदर में ये जो कहते हैं मेरिस्टम था दैट इज कॉल्ड प्रो मेरिस्टम, लेकिन जैसे सीड ने जब जर्मिनेट किया तो इसके अंदर में जो आपके मेरिस्टम पाए जा रहे हैं अब ये सारे मेरिस्टम आपके क्या होंगे, ऑल ऑल कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टम, ये सब सारे सारे क्या होंगे, प्राइमरी मेरिस्टम। तो मतलब कहने का प्राइमरी मेरिस्टम तुरंत तुरंत नहीं बनेगा, पहले पहले आपका प्रो मेरिस्टम रहेगा, वही आपकी इनिशियल इनिशियल कहते हैं ग्रोथ करेगा, और इनिशियल ग्रोथ होने के बाद फिर उसके अंदर में आपके प्राइमरी मेरिस्टम बन जाते हैं, क्लियर? तो हमेशा हाँ बोलो बोलो, समझ में आया ना? हाँ सर, मैंने एक जगह पढ़ा था कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टम बनने को रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। ये आपको इतना एक मिनट रुक जाओ, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, फिर मैं आपकी बात को बोलता हूँ। सर लगता है आपने रीडिफरेंशिएशन की जगह डीडिफरेंशिएशन लिख दिया शायद। यस सर, नहीं लिख, ये उल्टा मैंने लिख दिया क्या? सर आपने डीडिफरेंशिएशन लिख दिया है आर की जगह। अच्छा, मतलब इसको यहाँ करना चाहिए और इसको यहाँ करना चाहिए, ये बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं सर, दोनों। अच्छा यहाँ पे मैं दो बार लिख, ये यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन हो गया। हाँ यस सर, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो कभी भी अगर जब भी सीड कहते हैं जब जर्मिनेट करता रहता है उसमें जो पहले कहते हैं उसके रूट और शूट बनते हैं एकदम स्टार्टिंग, उसमें प्रो मेरिस्टम रहता है, लेकिन जैसे ही उसकी लेंथ बढ़नी स्टार्ट होती है उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में सारे सारे प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, पूछो। सर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को सेकेंडरी मेरिस्टम बनने में डिफरेंशिएशन कहते हैं कि रीडिफरेंशिएशन? एक मिनट, आप पहले बेटा मैं आपको ये, आपने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया ना, ठीक है, तो मैं आपको जिस टॉपिक पर लेके जाना चाह रहा हूँ पहले आप उसको पढ़ लो, फिर मेरे को जाने के टाइम पर आप ये क्वेश्चन दोबारा से पूछना, ठीक है? अभी रुको नहीं, मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो चीज दिमाग से मेरे बाहर निकल जाएगी, आप जाने के पहले मेरे से ये क्वेश्चन दोबारा। अब आप देखो मैं आपको सिखा क्या रहा, मैं आपको लोकेशन के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? लोकेशन के बेसिस पर, लोकेशन के बेसिस पर, एक कहाँ होता है, एम्ब्रियो के अंदर में होता है, दैट इज कॉल्ड प्रो मेरिस्टम, और दूसरा क्या होता है, सॉरी लोकेशन नहीं, आपको ओरिजिन पढ़ा रहा था मैं। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? ओरिजिन पढ़ा रहा था, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टम की ओरिजिन कहाँ कहाँ पर है? एम्ब्रियो के अंदर में। प्राइमरी मेरिस्टम की ओरिजिन किससे होती है? प्रो मेरिस्टम से होती है। आपके प्राइमरी मेरिस्टम की ओरिजिन किससे होती है? प्रो मेरिस्टम से, ओके। और अगर आपसे कोई पूछता है सेकेंडरी मेरिस्टम की ओरिजिन किससे होती है तो क्या बोलोगे? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से होती है, ओके। बस हमको आपको यही चीज
बताना था, ये भी आपका मेरिस्टेम है, ये भी आपका मेरिस्टेम है और ये भी आपका मेरिस्टेम है। ये प्रो मेरिस्टेम है, ये एम्ब्रियो के अंदर में पाया जाएगा। ये प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि प्रो मेरिस्टेम से ही डिवीजन के थ्रू बनता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो आपका परमानेंट टिश्यू से बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन, बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ओके क्लियर। अब मैं आपको एक चीज इसमें बताना चाहूंगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में डिफरेंस क्या होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम, अब ये मेरिस्टेम है मतलब ये भी डिवाइड करता होगा, ये भी मेरिस्टेम है तो ये भी डिवाइड करता होगा, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। ओके, प्राइमरी मेरिस्टेम हमेशा और हमेशा लेंथ को बढ़ाता है, प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है। क्लियर, प्लांट की लेंथ को कौन बढ़ाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है। हाँ, गर्थ या विड्थ, इसको आप लिख लो जहां पर आपने ये आपने ड्रॉ किया है, इस चीज को आप लिख लो। ओके, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम हमेशा प्लांट की विड्थ को बढ़ाएगा और प्राइमरी मेरिस्टेम हमेशा लेंथ बढ़ाता है। प्रो मेरिस्टेम क्या करता है, ये आपका इनिशियल लेंथ कहते हैं करता है, बाद में ये प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाने लगता है। ये इनिशियल क्या करता है, लेंथ की स्टार्टिंग करता और फिर बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम को बना के ये खत्म हो जाता है। ये आपका प्लांट्स के अंदर में ये बाद में इसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, लेंथ को बढ़ाता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, विड्थ को बढ़ाता है। और दूसरी बात, आप हमेशा एक बात को याद रखो, प्राइमरी मेरिस्टेम हमेशा प्रो मेरिस्टेम से बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हमेशा परमानेंट टिश्यू से बनता है। किससे बनता, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से, किससे बनता, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ये डिवीजन नहीं करता होता है और इसके अंदर में डिवीजन की पावर रहती है। ये आपका डिवीजन नहीं कर सकता, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू आपका डिवीजन नहीं कर सकता, परमानेंट टिश्यू आपका डिवीजन नहीं कर सकता, सिर्फ मेरिस्टेम ही डिवीजन कर सकते हैं, मेरिस्टेम ही डिवीजन कर सकते हैं। तो जब सेकेंडरी मेरिस्टेम जब डिवाइड करता है तो विड्थ बढ़ाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिवाइड करेगा तो वो लेंथ बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, लेंथ को बढ़ाएगा। और मैंने आपको एक बात और बोली, कभी भी अगर प्राइमरी मेरिस्टेम जब भी डिवाइड करता है तो वह दो सेल बनाता है, एक सेल आपकी परमानेंट में चेंज कर जाएगी, दूसरी सेल आपकी मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी। ये जब डिवाइड करेगी तो ये दो आपकी प्राइमरी मेरिस्टेम बनाएगी, उसमें से एक प्राइमरी मेरिस्टेम आपका, सॉरी, एक आपका प्राइमरी मेरिस्टेम परमानेंट में चेंज कर जाएगा, दूसरा वाला वैसे वैसे आपका प्राइमरी मेरिस्टेम के फॉर्म में आगे से डिवाइड होता रहेगा। इतना मैंने आपको क्लियर व्यू में आपको बताया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आए। तो ओरिजिन के बेसिस पर तीन टाइप के मेरिस्टेम है, कौन कौन से, प्रो मेरिस्टेम पहला, दूसरा हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम, तीसरा क्या हो गया, सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम क्या करता, प्राइमरी मेरिस्टेम को बनाता, प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ से बनता, प्रो मेरिस्टेम से बनता, ये लेंथ प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम विड्थ को बढ़ाता है, किससे बनता, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से बनता है। क्लियर। अब आप अपने क्वेश्चन को पूछो, आप क्या पूछ रहे हो, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, आप पूछो क्वेश्चन, कौन मेरे क्वेश्चन पूछ रहा था, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनने को डिफरेंशिएशन कहते हैं कि रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। देखो, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये प्रो मेरिस्टेम है, प्रो मेरिस्टेम से क्या बन रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनने को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, और फिर परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम के बनने को डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। आप क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन सेम है क्या, बोले बेटा, सर री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन सेम है, आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, बताओ क्या है इसमें डिफरेंस। रुको, मैं आपको इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये
आपको जो मैं डायग्राम दिया था उसमें देखो देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है। अब यहाँ से देखो आप डिफरेंशिएशन में ये सेल क्या है, ये सेल डिवाइड करती रहती है, ये सेल क्या है, ये सेल डिवाइड नहीं करती रहती। तो इसमें जो सेल डिवाइड नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं, दैट सेल इज इन अ जी जीरो फेज, उसको हम क्या बोलेंगे, जी जीरो फेज। और जो सेल डिवाइड करती रहती है तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस में एक डिवाइड करने वाली सेल नॉन डिवाइडेबल सेल में चेंज कर जा रही है, मतलब वो सेल जी जीरो फेज में जा रही है। तो परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स रहती है वो क्या रहती है, जी जीरो फेज में रहती है। अब देखो डी डिफरेंशिएशन में क्या हुआ, डी यहाँ पे जो आप लिखे हो यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन लिखना था, ठीक है, मैंने पहले सही लिखा था, आप लोगों ने कटवा दिया उसको, डी डिफरेंशिएशन। ओके क्या देखो परमानेंट क्या है, परमानेंट सेल आपकी जी जीरो मतलब ये डिवाइड नहीं करती। अगर कोई डिवाइड नहीं करने वाली सेल क्या हो रही है, डिवाइडिंग सेल में चेंज कर जा रही है, कोई डिवाइड नहीं करने वाली सेल अगर डिवाइड करने वाली सेल में चेंज कर जा रही है, या उससे डिवाइड करने वाली सेल जब बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके मतलब डिफरेंशिएशन में आपकी डिवीजन करने वाली सेल जी जीरो फेज में चेंज हो रही है, आपका डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में क्या है, नॉन डिवाइडिंग करने वाली सेल किसमें चेंज कर रही है, डिवाइडिंग सेल में चेंज कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके दैट इज कॉल्ड, समझ में आ गया। अब देखो फिर से इसको हम क्या आगे हम क्या बोले, अभी या की डिवाइडिंग या की क्या है, डिवाइडिंग सेल है। अब देखो क्या हो रही है, डिवाइडिंग सेल फिर से इसमें चेंज कर गई, जी जीरो फेज में चेंज हो गई, क्योंकि परमानेंट टिश्यू बन गई, या आपका परमानेंट सेल बन रहा है, आपका परमानेंट सेल, तो परमानेंट सेल क्या था, जी जीरो फेज। तो इसमें क्या हो रहा है, एक डिवाइडिंग सेल दोबारा से क्या हो रहा है, जी जीरो फेज में जा रहा है, तो इसलिए इसको हम री डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, री डिफरेंशिएशन। पहली बार देखो, पहली बार जब डिफरेंशिएशन हुआ था तो जी जीरो सेल बना था, जब दूसरी बार फिर से री डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फिर से आपका जी जीरो सेल बन रहा है। ओके मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल बन रही है, क्लियर हो गया बात। यस सर। सर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिफरेंस क्या है, क्या बोले, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब यार इसको तो आप खुद ही बोल सकते हो, सामने आपकी चार्ट है, आप क्या बोल सकते हो सर, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की ओरिजिन सेकेंडरी मेरिस्टेम से होती है, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की ओरिजिन आपकी कहाँ से होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम से होती है, ये तो डायग्राम में ही दिखाई पड़ रहा है ना आपको, समझ में आया। यस सर। ठीक है पक्का, इतनी बात क्लियर। ठीक है सर, उसके फंक्शन में कुछ डिफरेंस है क्या, इसके किसके फंक्शन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। हाँ प्राइमरी परमानेंट की क्या रहती है और सेकेंडरी परमानेंट, इसके अंदर में क्या रहता है, इसके अंदर में आपकी सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा रहती है, क्या रहती है, सेकेंडरी ग्रोथ ज्यादा रहती है। ओके इसमें आपकी मोटापन ज्यादा रहता है। Yeah. अब मैं आपको जैसे देखो कोई चीज, अभी जैसे ये प्लांट मान लो कि आपका ये सीड है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ये जैसे आपका सीड है, ठीक है, ये सीड है, तो इनिशियल में क्या छोटा सा प्लांट ऐसे निकलता है, रूट और शूट। ओके उसमें बाद ये प्लांट क्या होगा, ऐसे ऐसे बड़ा होगा, यहाँ पे रूट, उसमें बाद क्या होता है, कभी आपने देखा है प्लांट इतना मोटा हो जाता है, ऐसे ऐसे करते करते ये रूट और ये शूट हो गया, देखा, पहले एक सीड से छोटा सा प्लांटलेट बना, फिर प्लांटलेट से इतना बड़ा सा प्लांट बन गया, दिखा आपको, समझ में आ रहा है। तो इतनी बड़ी एक छोटे से सीड से पहले पतला सा प्लांट बना, फिर इतना मोटा सा प्लांट बन गया, क्यों बन गया भाई, तो इस सबके पीछे का रीजन क्या है आपका, प्राइमरी मेरिस्टेम, और आपके इसके पीछे का रीजन क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, इसकी लेंथ को बढ़ाता रहता है, ऐसे ऐसे लेंथ 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 लेंथ, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये इसकी विड्थ को बढ़ाता रहता है,
सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करता है, इसकी विड्थ को बढ़ाता रहता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता रहता है, इस प्लांट की लेंथ को बढ़ाता रहता है। क्लियर? तो प्लांट की विड्थ को कौन बढ़ाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहले देखो बेचारा पतला सा प्लांट है, बाद में देखो प्लांट मोटा हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम, और इस प्लांट की लेंथ बढ़ती रहेगी बिकॉज ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। अब कल आना, तो कल आपको इसके आगे से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? कितना आप लोगों ने नोट करने कर लिया? कितना नोट किया? यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, सर, अटेंडेंस, अटेंडेंस बेटा मैं नहीं लेता हूँ ना, इसको तो मैम लेती है शायद। नो सर, सर जिसकी क्लास रहती सर वही लेता, वही लेता सर अटेंडेंस। रुको मैं कल से कटे ले लूंगा, आज तो मेरे को इतना अच्छे से इसमें नहीं पता था, ठीक है? अच्छा, ओके, बाय सर। हाँ चलो, बाय सर, बाय, बाय सर, बाय सर।